सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लापुलाई सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट मेन लीड से, जो अपने बारे में बता रहा होता है और कहता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे एक डिसीज़ है जिसे सुपर नेचुरल भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे मैजिक की तरह कहते हैं और कुछ लोग इसे श्राप कहते हैं। और इसके सिम्टम ये होते हैं कि बारिश होने पर वो पर्सन डीफ बन जाता है, यानी उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन बाकी सब उन्हें नॉर्मली सुन सकते हैं। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, सभी भागने लगते हैं। फिर संताई कहता है, पता है जब हमारे आसपास बारिश होती है ना, तो हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास उन्हें सिर्फ शांति ही सुनाई देती है और वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसी वजह से ये श्राप के जैसा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जैसे हियरिंग लॉस वाले पर्सन के लिए बनाई गई हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, लेकिन इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है क्योंकि हियरिंग लॉस वाले पर्सन बहुत कम हैं इस बड़ी पॉपुलेशन में। लेकिन ये हर एक फील्ड में है और हर एक एज में है, और उन्हें बस जीने का अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है, नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह, ताकि वो सोसाइटी पर कोई बोझ ना बन जाए। फिर उसके बाद ना, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे जो कुछ भी खाना था वो एक नोट के थ्रू लिख देता है, क्योंकि बारिश हो रही थी और इस वक्त वो बिल्कुल एक डीफ पर्सन है। उसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम संताई है और मैं जनरल इंटरेस्ट मैगज़ीन के लिए लिखता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संताई अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो नोट्स पे कुछ लिखता है और कहता है कि जब मैं किसी से बात नहीं कर पाता ना, तो मैं इस तरीके का यूज़ करता हूँ, यानी नोट्स के थ्रू। उसके बाद वो कहता है, हियरिंग लॉस वाले पर्सन का ना एक और सिम्टम भी है। बहुत सारे लोग जब अपनी 20s में होते हैं तो वो एक आवाज़ सुन सकते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं, उनका सोलमेट होता है, यानी वो दिल से दिल की बात सुन सकते हैं। लेकिन मुझे इन सब पर कोई भी भरोसा नहीं है, मतलब सोलमेट वाली चीज़ें कुछ भी नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, पता है। फिर उसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम संताई को देखते हैं और फिर उसकी फैमिली को भी, उसके मॉम डैड को और उसके ब्रदर्स को भी। संताई का आज बर्थडे भी होता है और उसके डैड ने सभी के लिए डिशेस भी बनाई होती हैं। संताई बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो सभी के फेसेस को देखता है, सभी बहुत ज़्यादा सैड लग रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है, क्या हुआ? और फिर उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे और मेरे मॉम के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों डिवोर्स करने वाले हैं। संताई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कहता है, ये बात बिल्कुल भी फनी नहीं है डैड। और फिर वो अपनी मॉम से कहता है, क्या आपने ही डैड को फोर्स किया ये सब के लिए? उसके डैड कहते हैं, देखो, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद इन चीज़ों को समझने लगोगे। कई बार चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब कहने का ये होता है कि प्यार कभी भी बदल सकता है, हमारी फीलिंग्स कभी भी किसी के लिए कम हो सकती हैं, प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती हैं और हमेशा फॉरएवर जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती। हम दोनों चाहे अलग हो जाएं, लेकिन हम तुम सभी को उतना ही प्यार करेंगे जितना हम अब करते हैं। और सभी के सभी ना रो रहे होते हैं। उसके बाद संताई वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। संताई अपने रूम को लॉक करके बैठ जाता है और वो रोने लगता है। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसका भाई कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन फिर ना बारिश शुरू हो जाती है। संताई को कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता था अब, इसीलिए ना तियन उसे नोट्स के थ्रू लिखता है कि मैं आपके साथ बाहर ही हूँ। और तभी ना संताई के सर में दर्द होने लगता है और उसे एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है, और वो पर्सन उसका सोलमेट ही होगा, क्योंकि आज वो 20 साल का हुआ था और उसी दिन उसने अपने सोलमेट की आवाज़ पहली बार सुनी थी। वो उससे पूछ रहा होता है, हे, क्या तुम रो रहे हो? क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन संताई उसी दिन डिसाइड करता है कि वो कभी भी अपने सोलमेट से बात नहीं करेगा, उसे कभी भी आंसर नहीं करेगा, क्योंकि उसके मॉम डैड भी सोलमेट थे लेकिन वो भी अब अलग हो गए। और उसने ये डिसाइड किया था कि वो अपने सोलमेट के साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनाएगा।
फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सन ताइना अपना सामान रख रहा होता है, लेकिन गलती से उसका पैर उसके बेड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे पेन होता है और उसके पेन की आवाज़ ना उसके सोलमेट तक भी पहुंच जाती है और वो उसे कहता है क्या हुआ। लेकिन तभी संताई अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ उसके सोलमेट तक ना जा पाए। उसका सोलमेट कहता है प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो। फिर हम देखते हैं संताइना अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम बाओ है, और वो संताई से कह रही होती है कि अच्छा नेक्स्ट मंथ के कंटेंट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है। संताई कहता है हेल्प केयर। बाओ को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर संताई कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे काम है, मैं कैफ़े में जाकर काम करने वाला हूँ। बाओ कहती है क्या फिर से तुम कैफ़े में जाकर काम करोगे? तुम्हें पता है ऑफिस में मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं जानता। और उसके बाद वो कहती है अच्छा बताओ इस लड़की का नाम क्या है, लेकिन संताई को नहीं पता होता। उसके बाद बाओ कहती है देखा ऐसे तो तुम्हें कोई भी नहीं जान पाएगा मेरे अलावा। संताई कहता है मुझे अपने तरीके से चीज़ों को करने दो, मैं चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे करना चाहता हूँ। बाओ कहती है तुम्हें और लोगों से भी मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे लोगों से मिलो, उनसे बात करो और ज़्यादा स्माइल करो, तुम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। लेकिन संताई उसकी बात का कुछ भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। फिर बाओ कहती है ठीक है मैं गिव अप करती हूँ। फिर हम संताई को कैफ़े में देखते हैं और फिर संताई बताने लगता है कि हर किसी का ड्रेस अपना उसके प्रोफेशन के साथ ही होना चाहिए, जैसे कि अब मैं कैफ़े में रीड करने के लिए आया हूँ तो एक ग्लासेस होने चाहिए, वॉच होनी चाहिए और ठंड के लिए जैकेट होनी चाहिए। फिर वहाँ पे ना संताई का छोटा भाई थियन आता है, जिससे ना रोड पे जा रही एक बाईसाइकिल टकराने वाली होती है और वो उस बाईसाइकिल वाले पर्सन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसका भाई कहता है तुम्हें शांत रहना चाहिए, हर वक्त लड़ाई नहीं करनी चाहिए और वैसे तुम्हें स्टडी नहीं करनी। थियन कहता है मेरी आफ्टरनून में क्लासेस हैं। और फिर कहता है तुम अपने ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे हो? संताई कहता है तुम भी बाओ की तरह मत बोलने लग जाना, और वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? थियन कहता है मैं कौन हूँ? तुम्हारा प्यारा छोटा सा भाई, इसीलिए मैं आपको कहीं मर्जी से ढूंढ सकता हूँ। संताई कहता है इधर आओ मेरे पास मेरे प्यारे भाई, और वो उसकी नोज़ पर उसे मारता है। फिर थियन कहता है मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया था कि हमारी मॉम के साथ अपॉइंटमेंट भी है, आप भूल मत जाना। और फिर कहता है वैसे आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया होगा? अलग होने के बाद उन्होंने हमें पहली बार बुलाया है, उन्होंने कहा कि उन्हें हमसे बात करनी है। उन्हें क्या बात करनी होगी? नुआ और चैन को पता होगा, क्या मैं उनसे कॉल करके पूछूँ? संताई कहता है नहीं नहीं हम जाएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा ना। और उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। फिर थियन कहता है तुम्हारा काम कितना बड़ा है, मुझे बुक शॉप पर जाना है, तुम मेरे साथ चलो ना। फिर संताई कहता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा, बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, तुम शांति से बैठो मैं इसे अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन थियन ना आराम से नहीं बैठ रहा होता और उसे परेशान कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो दोनों बुक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर संताई थियन से कहता है मेरी मेरे सोलमेट से बात हुई। थियन कहता है क्या सच में, उसने क्या कहा? संताई कहता है मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मतलब मैंने उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। जिस पे थियन कहता है वो 2 साल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम एक बार उससे बात नहीं कर सकते? तुमने जो कुछ भी सोचा हुआ है ना सोलमेट के बारे में उन सबको भूल जाओ, यानी तुम्हारे रूल्स को भूल जाओ और एक बार दिल से उससे बात करो, मुझे भी पता है कि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। उसके बाद ना वहाँ पे थियन के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो एक नावल रीड कर रहे होते हैं, जिस पे थियन कहता है तुम ये सेक्सुअल कंटेंट पढ़ना कब बंद करोगे? उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट नॉवल है समझे। फिर उसके फ्रेंड संताई को देख के कहते हैं क्या आप थियन के ब्रदर हो? थियन कहता है हाँ ये मेरा भाई है। फिर उसके बाद ना थियन के सभी फ्रेंड्स कहते हैं थियन हमेशा आपके बारे में बातें करता रहता है, मोस्टली आपकी कंप्लेंट्स करता रहता है। थियन अपने फ्रेंड्स को चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम बुक शॉप पर आए हो ना? जिस पे थियन कहते हैं नहीं नहीं मैं मूवी मैगजीन लेने के लिए आया था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम भी वो रीड करते हो। थियन कहता है मैं रीड करता हूँ जब मैं तुम लोगों के साथ नहीं होता। फिर उसके फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ना थियन की नज़र एक मूवी मैगजीन पर जाती है जो वो हमेशा से ख़रीदना चाहता था, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है।
थियन उस बुक को वहीं पर रख देता है और बाकी की बुक्स देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी वही बुक ना उसकी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिसका नाम लोमफन है उसके हाथ में होती है। थियन उसे कहता है कि ये बुक ना मैंने पहले ली थी, मैंने इसे रिजर्व किया था, तुम ऐसे नहीं ले सकते। जिस पर लोमफन कहता है क्या तुमने इसे खरीदा था? थियन कहता है नहीं, पर मैंने पहले इसे देखा था। लोमफन कहने लगता है जब तुमने इसे खरीदा ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये बुक तुम्हारी है, और वो बुक के पीछे लड़ने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे संताई आ जाता है। थियन उसे सारी बात बता दे कि तुम्हारे सामने ये बुक मैंने पहले ली थी ना, अब इसे ये पर्सन लेकर बैठ गया है और मुझे वापस नहीं कर रहा है। संताई थियन से कहता है तुम चुप रहो, हम बाहर हैं। और उसके बाद वो लोमफन से कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे भाई की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वो अपने भाई को समझाता है कि ये बुक तुमने खरीदी नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारी नहीं है। लोमफन कहता है क्या आप थियन के भाई हो? फिर संताई कहता है हाँ, और मेरा नाम संताई है। उसके बाद लोमफन भी अपना नाम बताता है और संताई को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। थियन अपने भाई से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो लास्ट बुक थी। उसके बाद हम संताई को उसके घर में देखते हैं। वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन काम करते करते ना उसे पास्ट का बहुत ही स्वीट सा मोमेंट याद आता है जब उसकी पूरी फैमिली साथ में रहती थी और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर तभी ना वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और उसे अपने सोलमेट की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि अब मुझे गिटार की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही। फिर वो नोटिस करता है कि बारिश शुरू हो गई है और फिर वो अपने सोलमेट यानी संताई से कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश शुरू हो गई है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। संताई को ना अपने भाई की बात याद आती है, उसके भाई ने कहा था कि तुम्हें अपने सोलमेट से बात करनी चाहिए। फिर संताई का सोलमेट उसे कहने लगता है अब मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन जो संताई होता है ना वो उसे कहता है कि तुम गाना गा सकते हो। फिर उसका सोलमेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैं नए सॉन्ग के ऊपर काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरे सॉन्ग को सुनो। वैसे आप गिटार की आवाज़ तो नहीं सुन सकते, पर आप अपने दिल के साथ इसे फील कर सकते हो। उसके बाद वो गाना शुरू करता है जो बहुत ही स्वीट होता है और रोमांटिक होता है, और जिसे सुनने के बाद ना संताई को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि आसपास गिटार बज रहा है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। गाना ख़त्म होने के बाद ना उसका सोलमेट पूछता है आपको गाना कैसा लगा, लेकिन संताई कुछ भी नहीं कहता। जिस पे उसका सोलमेट कहता है अगर आप कुछ भी नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, और वो चुप हो जाता है। और फिर संताई ना अपने भाई को टेक्स्ट करके बोलता है तुमने जो मुझे कहा था ना वो सही चल रहा है। उसका भाई कहता है क्या कहा था? संताई वही बात कर रहा होता है जैसा कि उसके भाई ने उसे कहा था कि तुम्हें अपने सोलमेट से बात करना चाहिए, तो वो उसी के बारे में कह रहा होता है कि सब सही चल रहा है। फिर नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे लोमफन ना अपनी मैगजीन रीड कर रहा होता है जो उसने बुक शॉप से खरीदी थी। उसे थियन देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना। लोमफन कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? थियन कहता है नहीं नहीं, लगता है मैं किसी कुत्ते से बात कर रहा हूँ। उसके बाद लोमफन कहता है हाँ ये अच्छी है, इसमें जैपनीज और कोरियन मूवीज़ के एनालाइज हैं। थियन कहता है अच्छा, तो तुम खुद इतने स्मार्ट नहीं हो कि खुद से चीज़ों को एनालाइज कर सको। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जितना स्मार्ट स्टूडेंट भी एक मूवी को एनालाइज नहीं कर सकता। लोमफन कहता है मैं बस अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहता हूँ। फिर थियन कहता है अच्छा, तो तुम्हें इसीलिए हाई स्कोर मिलते हैं क्योंकि तुम यहाँ से आइडियाज़ लेते हो, और अब मुझे पता लगा क्यों तुम इस बुक के पीछे इतना पागल थे कि तुमने इसे मुझसे चोरी किया। जिस पे लोमफन कहता है तुम इसके बारे में ही बातें कर रहे हो और तुम्हें भी ये बुक चाहिए थी ना। थियन कहता है मुझे तो सिर्फ डायरेक्टर के इंटरव्यूज़ रीड करने थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पे पिंग पोंग आता है और उन्हें कहने लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो। लोमफन कहता है यही मुझे तंग करने के लिए पहले यहाँ पर आया। और फिर ना वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जिसपे पिंग पोंग कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों इस बुक के पीछे लड़ रहे हो, इस बुक के बारे में तुम दोनों बात कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन तुम दोनों को अगर लड़ना ही है तो शांति से लड़ो, जिससे दूसरों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं संताई को, जैसे बाव कह रही होती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। संताई कहता है पर मैं तो बस से जाता हूँ ना, और तुम्हें बस पे जाना पसंद नहीं है। बाव कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है, काफी दिनों से हमारी अच्छे से बात नहीं हो पा रही है। और फिर कहती है संताई तुम हमेशा बस से क्यों जाते हो, तुम्हें थकावट नहीं होती? जिसपे संताई कहता है नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बस में जाते हुए मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है सोचने के लिए।
उसके बाद ना संताई वहाँ पे एक प्यारी सी कैट को देखता है जो एक बॉक्स के अंदर आराम से बैठी होती है। फिर संताई जाता है और उसे पकड़ने लगता है। बाओ उसे मना करती है कि तुम ऐसे कैसे किसी भी कैट को ऐसे पकड़ सकते हो, वो तुम्हें काट लेगी। लेकिन संताई को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो तो उसका नाम भी रख देता है दियोर। बाओ कहती है क्या तुमने इसका नामकरण भी कर दिया, क्या तुम इसे अपने घर भी लेकर जाओगे। संताई स्माइल करता है और उसे गोदी में लेकर जाने लगते हैं और बाओ भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर हम दोनों को बस स्टॉप पे देखते हैं जहाँ पे बाओ संताई से कह रही होती है कि अगर तुम्हें कैट ही चाहिए तो मैं अपनी फ्रेंड से तुम्हें एक अच्छी कैट दिलवा दूंगी, अच्छे रेंज में और बहुत ही प्यारी प्यारी कैट। लेकिन संताई कहता है नहीं, मुझे तो यही वाली कैट चाहिए, और वो उसके साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा होता है और बाओ उसे बार बार समझा रही होती है कि तुम्हें ये कैट नहीं रखनी चाहिए। और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और संताई को अपने सोलमेट की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है मेरा मतलब है वो पर्सन जो वहाँ पर था। उसके बाद हम देखते हैं संताई को उसके घर में और वो उस प्यारी सी कैट के साथ बात कर रहा होता है और अपने सोलमेट के बारे में कह रहा होता है कि 2 साल से मैंने उससे बात नहीं की, उसे इग्नोर किया, लेकिन अब मेरा उसे बात करने का मन कर रहा है, क्या यह सही डिसीजन होगा। और वो ये सब अपनी कैट से कह रहा होता है। फिर संताई ना अपना काम करने लगता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसे अपने सोलमेट की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहता है आफ्टरनून के लिए मुझे माफ़ करना, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और मैं उसे बात कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश कब हुई। और उसके बाद कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया है मैं, तभी वहाँ पे बारिश बंद हो जाती है। संताई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बारिश को भी अभी रुकना था। फिर उसके बाद ना हम संताई को कैफ़े में देखते हैं, वहाँ पर भी ना वो कल रात के बारे में ही याद कर रहा होता है कि क्या बारिश को भी तभी रुकना था, उसे मुझसे क्या बात करनी होगी। फिर ना संताई देखता है आज कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वो एक स्टाफ मेंबर से पूछता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, वो उसे बताती है कि यहाँ पे ऑफर चल रहा है इसीलिए। उसके बाद ना संताई अपना काम करने लगता है लेकिन तभी उसे एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। उसकी आवाज़ ना उसे बहुत जानी पहचानी लगती है, मतलब उसके सोलमेट के जैसी लगती है। वो उसे बड़े ध्यान से देखता है और वो उसका आई कार्ड भी देखता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि वो एक एनिमल हॉस्पिटल में काम करता है। उसके बाद ना वो पर्सन संताई के पास आता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि बाकी जगह खाली नहीं थी। संताई तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे अलाउ कर देता है और वो उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद ना वो अपना काम करने लगता है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद वो अंगड़ाई लेने लगता है, लेकिन उसके साथ में एक लड़की भी खड़ी होती है जिसके हाथ में कॉफ़ी होती है और वो उसकी कॉफ़ी गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पर्सन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कॉफ़ी गिरने से बचा लेता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने संताई का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था और वो संताई से माफ़ी मांगता है। संताई कहता है कोई बात नहीं और वो उसे थैंक्स कहता है। फिर उसके बाद ना वो संताई से पूछता है क्या आप एक राइटर हैं। संताई कहता है हाँ। उसके बाद ना वो पूछता है आपकी मैगज़ीन का नाम क्या है। संताई उसे अपनी मैगज़ीन का नाम बता देता है। वो पर्सन कहता है मुझे लगता है मैंने इसे पहले रीड किया हुआ है, वैसे आपका नाम क्या है। संताई उसे अपना नाम बता देता है। वो आगे बात कर पाते इससे पहले ही ना उस पर्सन को इमरजेंसी के लिए कॉल आ जाता है और वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी ना वहाँ पे बारिश होने लगती है। संताई को आइडिया आता है कि उसे ना इस पर्सन से उसका नाम पूछना चाहिए, क्योंकि बारिश में सिर्फ उसका सोलमेट ही उसे सुन पाता है और अगर उसने सुन लिया तो पक्का यही वो पर्सन है। और उसके बाद ना वो उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम पात बताता है जो कि संताई ने उसकी आईडी पे भी देखा था, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यही है उसका सोलमेट। लेकिन उसका सोलमेट पीछे मुड़कर नहीं देखता तो उसे नहीं पता कि संताई उसका सोलमेट है। आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।